एवरीवन, वेलकम टू डिलेटेड लाइफस्टाइल। मैं हूँ आस्था और आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए मूंग मसूर दाल तड़का की रेसिपी। तो वैसे तो जब लोग इस दाल का नाम सुनते हैं तो नाम सुनने से ही लोगों का मुंह बन जाता है, बट अगर हम इस दाल को भी अच्छी तरीके से बनाएं, अच्छा तड़का दें, तो ये दाल भी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसे बनाना। तो मूंग मसूर दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहाँ लिया है 1 कप मसूर की दाल, 1/4 कप मूंग की दाल, 1 मीडियम टू बिग साइज अनियन जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है, देन 1 बिग साइज चॉप टोमेटो, 3 ग्रीन चिलीज जिनको मैंने बीच में 2 पोर्शंस में इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है, देन लगभग 4 बड़े चम्मच देसी घी, तभी तो हमारी दाल तड़के में टेस्ट आएगा। देन लेंगे लगभग 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, 1/2 छोटा चम्मच रेड चिली पाउडर, ये मेरा नॉर्मल तीखा वाला रेड चिली पाउडर है, देन 1 छोटा चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 छोटे चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, लहसुन को आप चाहें तो थोड़ा सा कूच के भी डाल सकते हैं, पीस के नहीं बट थोड़ा सा कूच के डाल सकते हैं। देन लेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सरसों, कुछ 15-16 करी लीव्स, अगर आपको कम पसंद है तो आप कम डालें, और 6 सूखी लाल मिर्च, यहाँ मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज किया है। मूंग मसूर दोनों दालों को मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है एंड अब मैंने एक कुकर गैस पे रख दिया है जिसमें हम दाल बनाएंगे एंड इसमें मैंने ऐड किया है 7 कप्स वाटर। अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा पानी की क्या रिक्वायरमेंट, तो रीज़न ये है कि कुकर तो हमने यूज़ किया है बट हम इसमें विजल नहीं लगाएंगे। आप चाहें तो कोई बड़ा भगोना या कोई और बड़ा बर्तन यूज़ कर सकते हैं दाल बनाने के लिए। इसे मैं इसी तरीके से बनाऊंगी बिना प्रेशर लगाए कुकर में या बिना विजल के, तो हम इसे कैसे बनाएंगे वो आपको मैं आगे वीडियो में दिखाऊंगी। अब मैं दाल को कुकर में डाल देती हूँ एंड इस दाल को हम लो फ्लेम पे पकाएंगे, हम इसमें कोई भी विजल नहीं लगाएंगे, हम इसे ढक करके पकाएंगे एंड लगभग 45-50 मिनट्स तक हम इसे ऐसे ही पकाएंगे। बट उससे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी हमारे कटे हुए टमाटर, प्याज और हरी मिर्चें, साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूँगी बारीक कटी हुई अदरक, इसे आप चाहें तो कद्दूकस में घिस के भी डाल सकते हैं, देन बारीक कटे हुए लहसुन। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ करी लीव्स, देन ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, बाकी ग्रीन चिली, रेड चिली आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, देन ऐड करेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। अब दाल को एक बार अच्छी तरीके से चला लेंगे ताकि सारी चीज़ें इसमें अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। और अब हम दाल को ढक करके पकाएंगे इस तरीके से, और थोड़ा सा कवर मैंने खोल के भी रखा हुआ है साइड से ताकि दाल उबल के बाहर ना आ जाए। गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और दाल को पकने देंगे। आप चाहें तो कुकर में सीटी लगा करके भी दाल को पका सकते हैं, लेकिन इस तरीके से स्लो फायर कुकिंग में खाना बहुत ही टेस्टी बनता है। आप चाहें तो इसे किसी दूसरे बर्तन में भी पका सकते हैं, किसी भगोने वगैरह में, लेकिन मेरे घर में बहुत सारे गेस्ट आए हैं तो मेरे पास अभी एक कुकर ही खाली था, तो इसी में मैंने दाल पका ली है बट मैंने प्रेशर नहीं लगाया, यानी कि कोई भी विजल नहीं लगाई है। तो दाल को बीच बीच में आके इस तरीके से चला देंगे और चेक कर लेंगे कि हमारी दाल पकी है या नहीं पकी है। तो मेरी दाल को तो धीरे धीरे पकते हुए लगभग 50 मिनट्स हो चुके हैं और दाल अच्छी तरीके से पक भी गई है। अब दाल को कितनी गाढ़ी रखनी है, कितनी पतली रखनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है, अगर आप चाहें तो इसे थोड़ी देर और पका सकते हैं ताकि ये दाल थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए। और अगर आपको बीच में कभी लगे कि दाल ज़्यादा गाढ़ी हो रही है तो आप गर्म पानी करके इस दाल में थोड़ा सा ऐड कर दें एंड दाल को पकने दें जब तक कि आपकी दाल अच्छी तरीके से पक नहीं जाती है और आपको दाल की रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी मिल नहीं जाती। तो फिलहाल मेरी दाल तो बन चुकी है, मैं गैस की फ्लेम को बंद कर देती हूँ। तड़का लगाने के लिए मैंने एक छोटी सी कढ़ाई गैस पे रख ली है। कढ़ाई गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे घी, घी को गर्म होने देंगे एंड घी गर्म होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे सरसों एंड सरसों अब चटकने लग गए, तो जब इसका चटकना थोड़ा कम हो जाए तब हम इसमें ऐड करेंगे जीरा। गैस की फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है तो अब जीरा भी तड़कने लग गया है और इसे कुछ सेकंड्स फ्राई करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिलीज। रेड चिलीज को भी कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। हमें रेड चिलीज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इनका कलर चेंज हो जाए तभी तक के हम इन्हें फ्राई करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और ध्यान रखें कि रेड चिलीज जले नहीं, अगर घी ज़्यादा तेज़ गर्म हो तो या तो आप गैस की फ्लेम को लो कर दें या फिर गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। अब तैयार तड़के को हम अपनी दाल में डालेंगे एंड थोड़ा सा तड़का बचा लेंगे बाद के लिए। तड़का डालने के बाद दाल को फटाफट से ढक दें ताकि तड़के का फ्लेवर, उसकी खुशबू दाल में अच्छी तरीके से आ जाए एंड देन 1 मिनट बाद दाल का ढक्कन हटाएं एंड तड़के को दाल में मिक्स कर लें और दाल को गर्मा गर्म सर्व करें। सर्व करने के पहले दाल में ऊपर से बचा हुआ तड़का भी डाल दें। तो फ्रेंड्स, इस दाल को अच्छे से बनाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी बनेगी।
आप इसे जीरा राइस के साथ सर्व करें और ध्यान रखें कि जब भी आप इसे बिना प्रेशर कुकर के बना रहे हैं या बिना विजिल लगाए तो पानी आप काफी ज्यादा लेंगे, जैसे मैंने लिया है, क्योंकि हम इसे देर तक पकाएंगे, वो भी लो फ्लेम पे, जिससे दाल में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और दाल को तब तक पकने देंगे जब तक दाल बहुत अच्छी तरीके से पक नहीं जाती और दाल को कितनी पतली रखनी है, कितनी गाढ़ी रखनी है, उस तरीके की एक रिक्वायर कंसिस्टेंसी मिल नहीं जाती। और दाल में अगर बीच में आपको लगे कि पानी कम हो रहा है और दाल अभी पकी नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी उसमें और ऐड कर सकते हैं। बाकी आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो मिलते हैं आपसे कुछ नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए यही बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गिविंग प्रीशियस टाइम।